बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने आइकन्स के बारे में। डेस्कटॉप आइकन्स जो हैं विंडो 11 के अंदर, उनको शो करने के लिए क्या प्रोसीजर इख्तियार किया जाता है। सादा सा काम है जी, आपने राइट क्लिक प्रेस करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास पर्सनलाइज का एक ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट इस पर्सनलाइज पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो जो है ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपने काम ये करना है कि यहाँ पे जाने के बाद आपने थीम्स ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, आप इस पर क्लिक कर देंगे थीम ऑप्शंस पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो जो है ये वो पॉप अप होके इस तरह से सामने आ जाएगी। अब आपके पास ये डेस्कटॉप आइकन्स यहाँ से सामने आ रहे हैं। जोन से भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक किया और ये आपके सामने यहाँ से आइकन्स जो हैं ये आ गए हैं। क्लिक क्लिक एंड देन अनदर वन क्लिक, जस्ट अप्लाई कर दें और ओके कर दें। आप यहाँ से विंडो डी दबाएं, वापस आ जाएं, देखें तो आपके पास ये बीस कैप्स, रिसाइकल बिन और दिस पीसी जो है वो विंडो 11 के अंदर शो के आ चुका है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से पर्सनलाइज। ठीक है जी, पर्सनलाइज के बाद थीम, एंड देन थीम के बाद आपने सादा सा काम करना है, डेस्कटॉप आइकन्स की सेटिंग्स पे चले जाना है और यहाँ से आप इनको शो ऑफ ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आप शो करवाना चाहते हैं, जो नहीं करवाना चाहते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप आइकन्स को चेंज करें, मिसाल करें मैं इस पीसी के आइकन को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दूँगा। उस पीसी के आइकन की बजाय मैं यहाँ से चाहता हूँ कि कोई और आइकन जो है वो आ जाए, तो मेरे पास लॉट्स ऑफ आइकन जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनमें से कोई एक भी जो है मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ। मैं इसको लगा देता हूँ एंड देन ओके एंड देन अप्लाई। ओके कर दें जी और यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, तो देखें ये पीसी आपका यहाँ पे आ चुका है। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद मिलेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम।